हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही डिलीशियस और फेमस रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आजकल सभी को बहुत पसंद आती है। और इस रेसिपी का नाम है सोया मोमोज। इसके लिए सबसे पहले हम इसका डो लगा के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 कप मैदा। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे। नमक बहुत थोड़ा सा जाएगा। फिर इसको हल्के गुनगुने पानी से इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको गूथेंगे। आटा इसका गूथ के तैयार हो गया है। ना तो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत इसके स्टिफ होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और मल लेंगे ऐसे हाथ पे करके रोल। बस अब इसको हम आधा घंटा के लिए ढक करके रख देंगे। तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि इसका फिलिंग की तैयारी करेंगे। इसकी फिलिंग के लिए मैंने ये सोया लिया है। सोया चंक्स जो होता है, सोया नगेट्स बड़े बड़े वाले, उसी को मैंने गर्म पानी में बढ़िया इसको उबाल लिया था। उसके पूरे पानी को मैंने निचोड़ दिया है। उसके बाद इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरीके से। ये अब इसको हम तैयार करेंगे। चलते हैं हम गैस की तरफ। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिया है, गरम हो गया है। इसमें तेल डालेंगे। तेल बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, तेल इसमें ज़्यादा नहीं पड़ता है, बस 1 चम्मच लगभग। थोड़ा हाई फ्लेम करके इसको गर्म होने दें। अब इसमें डालूंगी पहले प्याज, 1 प्याज कटा हुआ। इसमें अब हरा प्याज जो आता है उसको भी डाल सकते हैं। इसी में थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी, घिसा हुआ अदरक लिया है मैंने। इसको हाई फ्लेम पे ही भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। इन सब सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं भूजते हैं, थोड़ा क्रंची रहे तभी अच्छी लगती है। इसी में मैंने एक गाजर काट के रखा हुआ है, इसको डाल दे रही हूँ। क्रंची ना साता है, इसमें अच्छा लगता है। इसे थोड़ा सौते कर लेंगे। हल्का ये भुन गया है। अब इसमें जो मैंने सोया चुरा करके रखा है इसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर दें। थोड़ा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे मिक्स कर लें बढ़िया। बस अब लास्ट में इसमें हल्का सा सोया सॉस डाल देंगे। बस अब बस गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब इसको फटाफट दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके ठंडा होने के लिए रख देंगे इसको। अब मैं मोमोज़ के लिए चटपटी तीखी चटनी बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ये सूखी लाल मिर्च ली है। इसका मैंने सीड्स पूरा निकाल दिया है। और एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। वो उबलते पानी में इसको डाल दूँगी, गर्म पानी में। और टमाटर मैंने लिया है 8-10 के करीब। इसको काट करके इसी पानी में डालूँगी। इसका जो ग्रीन पार्ट्स होता है ऊपर का, उसको मैंने निकाल दिया है। फ्लेम को हाई कर देंगे और उबलते पानी में इसको जो है गर्म पानी में डालते जाएंगे। इसी में थोड़ा सा विनेगर डाल दी हूँ।
इससे इसका कलर बहुत बढ़िया रहता है। अब बस इसको उबलने देंगे, पकने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए पूरा। अब ये टमाटर थोड़ा सा गल गए हैं, अब गैस बंद कर देती हूँ। अब इसको छान करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसको पीस लूँगी मिक्सी में डाल करके। इसका पानी नहीं चाहिए। ये मैंने टमाटर पीस करके तैयार कर लिया है। इसका छिलका मैंने नहीं हटाया है। छिलका हटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि टेक्स्चर इसका और अच्छा हो जाता है छिलके के सहित इसको अगर पीसेंगे तो। अब मैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा तेल डालेंगे, और चटनी का मेन इंग्रेडिएंट्स जो है लहसुन, उसको डालेंगे अब इसमें। तेल थोड़ा गर्म हो जाए, अब जाएगा लहसुन। लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालेंगे इसमें। आँच को थोड़ा सा मीडियम कर दें, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है लहसुन को। अब इसमें अपना टमाटर डाल देंगे पिसा हुआ। इसी में थोड़ी सी चीनी डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे इसमें। इसी में हाफ चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल देंगे। ज़्यादा तीखा नहीं होता है, इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाता है। बस मिक्स करेंगे इसमें और इसमें थोड़ा सा पकने देंगे, फिर ये चटनी रेडी हो जाएगी। चटनी तो अब रेडी हो गई, अब चलते हैं मोमोज की फिलिंग करने के लिए। अब मैंने जो मैदा गूंथ के रखा है ये तैयार हो गया बनाने के लिए। अब इसको तैयार करते हैं, मोमोज बनाती हूँ उसे फिलिंग भर के। छोटी छोटी लोइयाँ इसमें से निकाल करके पहले बेलूँगी, उसके बाद फिर इसमें फिलिंग डालूँगी। चारों तरफ से इसमें एक बराबर बेलेंगे, एक समान किनारे से थोड़ा सा पतले करेंगे। इसको आप अपनी चॉइस के अनुसार बड़ा छोटा बना सकते हैं मोमोज, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि मतलब इतना ही बड़ा होना चाहिए इसका शेप। बीच में इसमें फिलिंग भरेंगे, एक चम्मच लोग डालेंगे इसमें। किनारे इसके पानी लगा दें, फिर ऐसे ऐसे प्रेस करते हुए इस तरह से पूरा इसके मुंह को सील कर देंगे। बीच में अंगूठा रख करके और साइड साइड में पूरा ऐसे इसको दबाते जाएंगे। फिर ये देखिए इस तरीके से सब बना के फिर ऐसे ही रखते जाऊँगी। अब मैं इसका थोड़ा दूसरा शेप दूंगी, ये साइड में गुजिया की तरह से पूरा इसको चिपका लें साइड साइड में। ये इधर का साइड और ये साइड को लेकर के ऐसे यहाँ से सील कर देंगे इस तरीके से, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसको बढ़िया से इधर सील कर दें साइड में पूरा, ये इस तरीके से हो जाएगा ऐसा इस तरीके से। इसको स्टीम करने के लिए मैंने पानी चढ़ा के रखा हुआ है गैस पे एक बर्तन में, और इस टाइप की चलनी लेकर के इसको तेल लगा लेंगे।
उसको बढ़िया से तेल लगा लेंगे चारों तरफ से, इसी में फिर मोमोज डाल के स्टीम करेंगे। रख के मोमोज को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना रहता है, कम से कम 15-20 मिनट बस, उससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये रबड़ की वजह से चुई हो जाएगा। और सारे मोमोज मैंने अपने इसमें रख दिए हैं, अब इसको ढक करके 15-20 मिनट इसको स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे, उससे ज़्यादा नहीं स्टीम करना नहीं तो फिर रबड़ की तरह से चुई हो जाएगा। 15 मिनट हो गया, अभी हमारा एकदम रेडी हो गया, गैस ऑफ कर देती हूँ। मोमोज की जान होती है इसकी ये तीखी चटपटी चटनी, ये गर्मा गर्म मोमोज तैयार है। अब आप भी घर में बनाइए, सबको खिलाइए और बताइए अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके कि आपको कैसे लगे।